आज 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल रक्षाबंधन कुछ फीका रहने वाला है। राखी के दिन बहन अपने भाई की रक्षा सूत्र बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को तोहफे देते हैं, लेकिन महामारी के कारण इस साल कई भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं और मिल नहीं पाएंगे। जिनमें से कुछ ऐसी भी बहनें हैं जिनके भाई इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। बेशक इनके भाइयों की कलाइयां रक्षाबंधन के दिन सुनी रह जाएंगी, लेकिन इन बहादुर बहनों को अपने भाइयों के द्वारा सेना में दी जा रही सेवाओं पर नाज है। देश की सरहदों पर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा में खड़े हमारे जवानों तक राखी पहुँचे, इसकी हर बहन को चिंता रहती है। जिनके घर से कोई ना कोई भाई सीमा पर होता है। इस राखी पर उज्जवल हिमाचल ने ऐसी ही कुछ बहनों से विचार साझा किए हैं। बहनों का कहना है कि उन्हें अपने भाइयों पर गर्व है। बेशक इस वर्ष वे अपने भाइयों को राखी नहीं पहना पाएंगी, लेकिन उनके भाइयों द्वारा देश की रक्षा की जा रही है। मेरा नाम राजकुमारी है। मेरा भाई वीरेंद्र कुमार, जो कि इंडियन आर्मी में प्रेजेंटली अपनी सर्विसेज दे रहा है और इस समय वो महाराष्ट्र पुणे में कार्यरत है। COVID-19 के चलते इस बार मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी और मेरी और भी दो सिस्टर्स हैं, तो इस दौरान जो है मेरा भाई घर भी नहीं आ पाएगा और ना ही हम पार्सल कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि अगर हम पार्सल करेंगे तो उससे भी इस COVID-19 के फैलने का खतरा है। तो इस कारण से ना तो हम राखी भेज सकते हैं और ना ही भाई घर पर आ सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो देश की रक्षा के लिए जो है अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी रोहंडा चौकी से बिलोंग करती हूँ और मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली चंडीगढ़ में एज ए स्टाफ नर्स अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि COVID-19 महामारी से आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जिसमें हमारे रियल हीरोज जैसे कि नर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी और इंडियन आर्मी तत्पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई का नाम दीवान ठाकुर है और वो इंडियन आर्मी में एज ए पैरा कमांडो सिक्किम में तैनात है। इस बार जैसे रक्षाबंधन आ रहा है और मेरा भाई अपनी ड्यूटी पे तैनात है, इस बार मैं उनको राखी नहीं पहना सकती और हमें ना मिले हुए लगभग 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इस बात का मुझे खेद है कि मैं उनको राखी नहीं पहना सकती, पर उसके साथ साथ मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मेरा भाई इंडियन आर्मी में है। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।